आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में मायावती का जवाब आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती से ये कहा कि उनके राज में जो पार्क मेमोरियल हाथी की मूर्तियां इतनी बड़ी कीमत पर बनाई गई, खजाने का पैसा खर्च किया गया बेवजह, वो सारा पैसा मायावती से वसूल। इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब मायावती ने जवाब दिया है। जवाब काफी दिलचस्प भी है। मायावती ने ये कहा है अपने जवाब में कि ये सारा पैसा जो मेमोरियल बनवाए गए, मूर्तियां बनाई गई, कलाकृतियां बनाई गई, ये सारी जनता की इच्छा। मैंने अपना सारा जीवन पिछड़े, गरीब, मजलूम, दबे कुचले लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पूरा जीवन लगाया। जब जब मैं मुख्यमंत्री बनी, इन लोगों के लिए मैंने, इन लोगों के भले के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। मेरा समर्पण तो यहाँ तक है कि मैंने अपनी शादी भी नहीं की, विवाह भी नहीं किया, मैंने पूरा जीवन इन दबे कुचले गरीब गुरबे लोगों के लिए लगा दिया, वंचित वर्ग के लिए लगा दिया। लिहाजा जब इतना समर्पण है तो काहे के पैसे और कहाँ से पैसे। जनता ये चाहती है, ये सब कुछ जनता की इच्छा से किया गया। जिन जनता को सदियों तक लोगों ने दबा कर रखा, जुल्म के तहत रखा, अब हमने ये फैसला किया कि वो जनता चाहती है कि उनके गौरव की, उनकी शान की वापसी हो। और इसीलिए कांशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम चाहते थे कि जनता के लिए ये सारी चीज़ें की जाए ताकि उनका शौर्य वापस आ सके। जो कुछ खर्चा हुआ, जो कुछ किया गया, जो सारी योजनाएं बनाई गई, जो सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक दिए गए राज्य को, वो सिर्फ जनता की इच्छा पूरी करने का नतीजा है। पुराना नारा भी दिया गया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा कांशीराम करेंगे पूरा, कांशीराम का मिशन अधूरा मायावती कर रही पूरा। ये जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल जिस बेंच में ये मामला सुनने के लिए आना था वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मुकदमों की सुनवाई होने के बाद इस मामले की सुनवाई होगी, और तब कोर्ट इस पर विचार करेगा कि मायावती का जवाब कितना सतर्क है, कितना सही है, क्या कोर्ट उसे संतुष्ट होता है, या फिर मायावती को दूसरा नोटिस जाता है जिसमें उनसे बाकी और तफसीलात तलब करेगा कोर्ट।